उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी इनकी जान, पीटीआई और उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और उनके बड़े भाई जो एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहाँ पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पीटीआई जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फौरन एक दिन के अंदर या दो दिन के अंदर वापस जेल भिजा दिया गया जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़ हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। सर अब तो मतलब इस पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए तो पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है। सुनिए, एक आदमी तो मर गया जो जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है कोर्ट ने उनके ऊपर सेंटेंस दिया, मगर आपकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, और ये तो दूसरा वाकया है, इसमें पॉलिटिक्स क्या है? जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रिहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? कि एक आदमी की तो मौत हो गई ना, उसे पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दिए, जान चली गई उनकी, तो पॉलिटिक्स क्या हो रही? अब जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस को जस्टिस करना चाहिए। वॉस रूल इज प्रिवेलिंग, सर, वॉस रूल इज प्रिवेलिंग, एंड इट्स वॉस रूल इज प्रिवेलिंग।